अभी हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शानिलाई। शानिलाई जी, आपके पास काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे इल्लीगल हुका पार्लर्स जो चल रहे हैं, जिन पे लगाम नहीं लगाई गई है अभी तक, तो क्या इनकी कंप्लेंट थी और क्या इनकी बात थी? देखिए, काफ़ी दिनों से हमारे पास ऐसी तकरारें आ रही हैं कि मुंबई में बड़ी धड़ल्ले के साथ बियर बार और हुक्का पार्लर चलाए जा रहे हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि नुक्कड़ नुक्कड़ पे ऐसी चीज़ें खुल गई हैं और नौजवान बिगड़ रहे हैं, नशे की धुत आदत में पड़ रहे हैं। साथ ही साथ इसकी तकरारें, ये बच्चों ने काफ़ी टाइम मेरे से कहा कि साहब, हमने काफ़ी टाइम लेटर लिखे पुलिस को और जो भी इनकी ब्रांचेज हैं उनको, तो वो सोशल यूनिट को बहुत सारे लेटर लिखे, लेकिन सर उसका कुछ निवारण नहीं हुआ। तो मैंने इनसे कहा ठीक है, मैं इस बारे में कुछ एक्शन लेते हैं, हम लोग बात करते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स मेरे पास आए तो मैंने इनसे कहा कि मुंबई पुलिस हो या फिर कोई और ऐसे अधिकारी हो जिन्हें ऐसी प्रतिक्रियाएँ ना देते हुए, जैसे कि ये धड़ल्ले से एक्टिविटी चल रही है हुक्का पार्लर और बियर बार की, से ज़रूरी एक सख्त कदम उठा के बंद करना चाहिए, जिससे नौजवान जो आज बिगड़ रहे हैं वो इस नशे की आदत से दूर होकर कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी संवार सकें। लेकिन ऐसा मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पुलिस के अधिकारियों से भी, जो ये चीज़ चल रही है उन्हें जल्द से जल्द बंद कराया जाए, ताकि नौजवान कम से कम अच्छी ज़िंदगी जी सके और सशक्त भारत हमारा बन सके। आपको क्या लगता है कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ में नौजवान ज़्यादा जा रहा है? जी, आजकल इल्लीगल एक्टिविटी, देखिए, पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता है, नौजवान बिगड़ रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसकी तरफ जल्दी आकर्षित होता है, कोई हुक्का पीता है तो और जल्दी आकर्षित होता है, इसे एक युवा युवतियाँ जो है उसे जल्दी अट्रैक्ट करके उसे पीने की कोशिश करते हैं और उसके बाद चरस गांजा ड्रग्स इसके इत्यादि हो जाते हैं। साथ ही साथ ये ऐसी ज़िंदगी हो जाती है, लाचार हो जाते हैं इनके माँ बाप, क्योंकि बच्चा उनके हाथ से निकल जाता है। मेरी तमाम माँ बाप से और गुजारिश है कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, और साथ ही साथ मुंबई पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उनकी जो सोशल ये है यूनिट, उन्हें जल्द से जल्द रिक्वेस्ट है कि इस पे कार्रवाई करें और तुरंत करके ऐसी चीज़ों को बंद कराएं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक कॉलेज स्टूडेंट्स भी है जो कंप्लेंट लेकर के शानिलाई जी के पास आए थे। बताइए, क्या आज एक कारण हुआ कि आप इधर कंप्लेंट लेके एडवोकेट जी से करें? मैं मुंबई शहर का एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कि ये चीज़ें मेरे साथ तो हमेशा होती है, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं रोज़ कॉलेज आना जाना है, सो मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में हुए, मींस आई थिंक सो आज के टाइम में शायद उनको लगता है कि शायद स्मोक करने से या तो कोई ड्रगिस या समथिंग लेने से बहुत बड़ी बात है उनके लिए, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज़ ये चीज़ें शायद मैं बचपन में था तभी मैं ऐसा टीवीओ पे देखा करता था, ये लेडीज़ बार एंड हुक्का पार्लर वगैरह वगैरह, चलो तो आई थिंक सो तो हमारी अथॉरिटीज़ इतनी सही थी कि उस चीज़ का हमें पता भी नहीं चलता था, बट आज के टाइम पे हमारी अथॉरिटीज़ का मींस शायद वो एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं आई डोंट थिंक नो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मींस आज के टाइम पे हम आंखें खुली होकर सामने देख रहे हो रहा है, बट हम अपनी आंखें बंद करके रखें। यानी आपके मुताबिक क्या आप इसको यकीन रखते हो इस बात पर कि आजकल ड्रग्स लेना एक स्टाइल ऑफ स्टेटमेंट हो गया है? आई थिंक सो, बिकॉज शायद वही हर जगह हो रहा है, आप भले कितने भी रेस्ट्रिक्शन दो, कितने भी बोलो कि 500 से 1 किलोमीटर से वहाँ जाके स्मोक करो, बट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आज के टाइम हमारी सोसाइटी वहीं चल रही है। आपके जैसे कई नौजवान हैं जिनके पेरेंट्स काफ़ी फिक्र करते हैं कि बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने लिखने जाते हैं, बट अभी आप भी देखते हैं कि आपके ग्रुप्स में अलावा बहुत ड्रग एक्टिविटीज़ चालू है, तो आप क्या कहना चाहोगे पेरेंट्स से? स्पेशली पेरेंट्स से खास करके ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी, ज़्यादा भी थोड़ी सी अगर ध्यान देवे ना, तो शायद अगर आप थोड़ा दे तो शायद हम भी थोड़ी अपनी ओर से ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज थोड़े सा चेंजेस हमारे एक बड़ा चेंजेस आ सकता है। तो यानी आप क्या चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स या दूसरे बच्चों के पेरेंट्स आप लोग पे मतलब नज़र रखे, कि आपको लोग को ट्रैक करे कि किधर है क्या? हम खुद भी नज़र रखना चाहते हैं और साथ ही साथ दूसरे पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर नज़र रखें, और खास ही खास मैं अथॉरिटी को खास करके कहना चाहूँगा, वो भी थोड़ा सा थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज हमें छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते, जो कि समझ लो आज को मैं इग्नोर कर दिया, चलो मान लिया, बिकॉज आज अभी तक हमारे साथ कोई हादसा हुई नहीं है, तो क्या हम उस चीज़ को एक्सपेक्ट करें कि हमारे साथ कोई हादसा हो जाए फिर वो चीज़ हम चेंजेस लावे? शायद हमारे अगर हादसा, अगर ये चेंजेस अगर पहले ही होते तो शायद बड़े बड़े मिलों में या तो वगैरह एक्सीडेंट वगैरह होते ही नहीं, शायद कितने लोग आज एक्सीडेंट हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ जा रहा है, या तो हर कोई हर न्यूज़ में देखो है, हर एक न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ हो ही रहा है, शायद पूरा तो नहीं, थोड़ा तो कम हो जाए एटलीस्ट।
अनिल जी आपको क्या लगता है कि आप अभी किस तरीके का एक्शन लोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एप्लीकेशन तकरार देंगे हम मुंबई पुलिस और इनकी सोशल जो है यूनिट को कि आप जल्द से जल्द, हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चों की ज़िंदगी जो बिगड़ रही है, आप जल्द से जल्द इन धड़ल्ले से जो ये पार्लर चल रहे हैं और बियर बार चल रहे हैं इन पर कार्रवाई करें और सच में जो हम सशक्त भारत का सपना देख रहे हैं उसे पूरा करें ताकि नौजवान जो पीढ़ियां नशे की लत में आज अपनी दम तोड़ रही है, आज सशक्त भारत कह नहीं सकते, सिर्फ मीडिया पे टीवी पे कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भारत का युवा नौजवान युवतियां आज रास्ते में नशे की लत के आदि हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी बदतर बना चुके हैं, उनके माँ बाप के हाथों से वो बच्चे निकल चुके हैं। मेरी तमाम नौजवानों से, मुंबई भर के, पूरे महाराष्ट्र भर की गुजारिश है कि नशे से दूर रहिए, नशे की लत से दूर रहिए और इनके खिलाफ एक ऐसा कानून लाया जाए जो ये, अब मैंने सुना है सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर पास हुआ है कि नेक्स्ट मंथ से हुक्का पार्लर भी शायद बंद कर दिए जाएंगे, तो ऐसे कानून आए जल्द से जल्द, हम ऐसे कानून का, ऐसे जजमेंट का स्वागत करते हैं और बच्चों को एक नई ऊर्जा और नई ज़िंदगी देना चाहते हैं। तो मेरे नौजवानों से यही रिक्वेस्ट है कि नशे, बुरी आदत, बुरी चीज़ों से दूर रहें, जो गलत लगता है तुरंत मुंबई पुलिस के संपर्क में आए और इस देश को कुछ अनहोनी होने से बचाएं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शानिल आई जी, जो कि इलीगल हुक्का पार्लर्स चल रहे हैं मुंबई में, उसके बारे में एक जानकारी देते हुए।